friendliest most Radio Amor. A $25 gift. फ्रीकनेस पर आज आप सभी का स्वागत है और आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आए हैं जो बिल्कुल हटके है, जो शायद आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा या आपने शायद लोगों को मरते पीटते अपने आप को मारते हुए पीटते हुए देखा होगा, पर जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद बहुत हटके है। हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि जो काला जादू होता है या जो काले जादू करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से इसे अपनाते हैं या वो किस तरीके से उन आत्माओं को अपने वश में करते हैं। दरअसल होता क्या है, ये एक समझौता करते हैं उस आत्मा के साथ में कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा और आपको मेरे लिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये दरअसल पूरा जो एक चलन है वो क्या है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सफ़ेद घेरा बनाया हुआ है और इस घेरे के सामने कुछ अलग अलग रंगों की मोमबत्तियाँ रखी गई है, जैसे कि पीली, नीली, सफ़ेद, लाल, हरी और फिर दोबारा एक अलग रंग। हर एक मोमबत्ती का अपना एक मतलब है, हर एक मोमबत्ती को अपने मतलब से रखा गया है और सामने एक त्रिकोण बनाया गया है जिसमें उस प्रेत आत्मा को या उस शैतान को काम करने के लिए बुलाया जाएगा। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस गोल घेरे का और इस त्रिकोण का, ये सब आपको बाद में देखने को मिलेगा। और ये जो एक पूरा क्रियाकलाप है, जो एक ये पूरा समावन है, इसे एक गुफा के अंदर किया जाता है। और अब देखिए आप कि इस आदमी को उस गोल घेरे के अंदर बैठाया गया है और आप उस पूरी गुफा को भी देख सकते हैं। और इस आदमी को उस गोल घेरे के अंदर तब तक बैठना है जब तक वो जिन या वो प्रेत आत्मा उसके पास में आ नहीं जाती है। और अब वो खलीफा एक पवित्र छड़ी, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी छड़ी जिससे उस जिन को बुलाने का आह्वान किया जाएगा, उसको बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वो आए और उसकी बातों को सुने। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये एक पब्लिक सीवर है। पब्लिक सीवर मतलब जहाँ सभी लोगों का गंध आता है, गंध मतलब कि मलमूत्र, और इस मलमूत्र में कुरान को डुबाया गया है जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो खलीफा है वो फावड़े को इधर उधर कर रहा है, उस पब्लिक सीवर में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो कुरान को निकालने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कुरान की कॉपी है, इसे काफ़ी समय तक इस पब्लिक के आने वाले मलमूत्र में रखा गया था और अब इसे ये पवित्र और साफ़ करने वाले हैं जिसमें से मलमूत्र को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया जाएगा और कुरान बिल्कुल पाक हो जाएगी। और अगर आप लोगों को लगता हो कि ये सिर्फ एक ही कुरान की कॉपी है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे कम से कम 51 कॉपियाँ मिली हैं जो कि कुरान की कॉपियाँ हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो उस कुरान को एक नॉट में रखा गया है जिसे वुडू डॉल भी कहा जाता है। वुडू डॉल के बारे में आपको ना पता हो तो वुडू डॉल एक ऐसी चीज़ है जिसे काले जादू के लिए साउथ अफ्रीका में यूज़ किया जाता है, उसे साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है। और अब आप जैसा कि देख सकते हैं उसे गुलाब के जल से यानी कि रोज़ वाटर से धोया जा रहा है पवित्र करने के लिए, ताकि कुरान जो है पाक हो जाए, पवित्र हो जाए। तो दरअसल ये करते क्या हैं, ये उस आत्मा के साथ में, जिस आत्मा के साथ में मिलन करना चाहते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, उसके साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट हो सकता है किसी भी तरह का, जैसे कि तुम मेरे लिए ये करो या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। ज़्यादातर ये जो समझौते किए जाते हैं एक आदमी के बीच में और एक आत्मा के बीच में, ये समझौते ज़्यादातर होते हैं उसकी काली दुनिया को बढ़ावा देने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस चीज़ में घुस जाते हैं तो वो आत्मा आपसे ना जाने क्या क्या कराती है, जैसे अपनी ही माँ के साथ में संबंध रखना, बहन के साथ में संबंध रखना, ये इससे भी अगर आगे कुछ हो जो हम सोच भी ना सके, ऐसा कुछ करवाती है वो आपसे। और अगर ना करे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत ही होना है आपके साथ, हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए। ऐसे में जो आदमी इसको कर रहा होता है, मान लीजिए वो कहता है कि तुमने मेरा धर्म बदलवा दिया है, तुमने मेरी कुरान को एक मलमूत्र में रखवाया जिससे कि वो नापाक हो गई, या मैं मुस्लिम नहीं रहा हूँ, या मेरा धर्म बदल गया है,
तो ऐसे में वो आदमी आत्मा से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आत्मा उसे कहती है कि तुम्हें अब और आदमियों को मेरे पास लेके आना पड़ेगा, जिससे कि मैं और आदमियों के साथ में उनका धर्म बदल सकूँ या उनके जो पाक चीज़ें हैं उनको बेकार कर सकूँ या गंदा बना सकूँ। तो अब ज़्यादातर अगर देखेंगे या किसी भी पीर फकीर के पास में जाते हैं या वो अगर मुस्लिम है तो आप ये समझ लीजिए कि वो पक्का मुस्लिम नहीं है, क्योंकि उसने अपने धर्म को छोड़ दिया है। क्योंकि कुरान को ही नहीं, अगर आप किसी भी अपनी पाक चीज़ को, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो जिसे आप मानते हैं, अपना मानते हैं, अपने धर्म से बढ़कर मानते हैं, या वो आपके धर्म के प्रतिरूप है, अगर आप उसे गंदा कर देते हैं तो शायद अपना धर्म छोड़ ही चुके होते हैं। इसलिए आप उन अगर फ़कीरों के पास जा रहे हैं तो आप ये तो पहली बात दिमाग में रखिए कि वो पक्के तौर पर मुस्लिम नहीं है। तो आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ऐसी सच्ची कहानी जहाँ से मुझे ये वीडियोस मिले हैं, जिससे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ऐसी एक कहानी मैं आपको एक बताता हूँ। क्या होता है कि एक बार एक औरत होती है जिसका अपना पति के साथ में तलाक हो गया होता है और वो अपने बच्चे से भी दूर हो जाती है, मतलब उसका बच्चा और पति दोनों दूर हो जाते हैं उससे। तो ऐसे में वो क्या करती है कि एक पीर फकीर या साधु संत के पास जाती है और उसके पास जाके फरियाद करती है कि मेरे बच्चे और जो मेरा पति है मुझसे दोनों दूर हो गए। और ऐसे में वो अपने जो पीरियड्स के दौरान जो पैड्स यूज़ होते हैं जिसमें ब्लड लगा रहता है वो लेके जाती है, और अपने बच्चे की जो नेपी होती है जिसमें उसके बच्चे का गंद लगा होता है वो साधु संत पीर फकीर के पास लेके जाती है। और इतना ही नहीं, वो अपने पति के यूज़ किए हुए कपड़े जो कि वो छोड़ के जा चुका होता है वो भी उसके पास लेके जाती है। और इतना ही नहीं, वो जो साधु संत पीर फकीर होता है वो उस लेडी को या उस औरत को कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, तुम्हें मेरे लिए एक एनिमल को, एक जानवर को लेके आना पड़ेगा। वो औरत और वो जो फकीर है वो दोनों जानती हैं कि इसमें एक बलि दी जाएगी, पर फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। ये बात वो दोनों जानते हैं कि क्यों उससे, औरत से, वो नैपी, वो पैड या उस आदमी के कपड़े क्यों मंगाए गए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ भी सीधा साधा नहीं होने वाला है, कुछ होगा जो कि गलत ही होगा। पर फिर भी वो औरत मन में एक तमन्ना लेके उस पीर फकीर के पास जाती है कि शायद हो सकता है उसका काम बन जाए या उसके पति और उसके बच्चे उसके पास वापस लौट आए। और ऐसे में वो जो पीर फकीर, जो साधु संत है, वो कुछ अपनी मंत्र तंत्र की क्रियाएं करता है जिससे कि वो उसका जो पति है, उसका जो बच्चे हैं, अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में उसके पास वापस चले जाते हैं। पर वो चले तो जाते हैं पर अब भी वो उसके बस में है, उस साधु संत पीर फकीर के पास। जी हाँ, क्योंकि उस औरत ने शुरू में ही उसको जो पैड और जो सैनिटरी थी, जो कि बच्चे का जो गंद था, मलमूत्र का जो पैड था और जो अपना पैड था उस औरत का, उसने अपनी पत्नी के कपड़े भी उस साधु संत को दे दिए थे। ऐसे में वो शुरू से ही औरत उस साधु संत के फकीर के बस में है, शुरू से ही उसके कब्जे में है। इससे ये तो हो जाता है कि वो पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहने लग जाते हैं या एक साथ आ जाते हैं, पर एक जो खुशी का माहौल होता है, जो एक खुशी होती है परिवार के बीच में या परिवार के लोगों के बीच, वो एक खुशी का माहौल पनपता नहीं है। क्यों नहीं पनपता है? क्योंकि उस आदमी ने या उस जो संत फकीर ने उन लोगों को अब भी अपने कब्जे में किया हुआ है, वो अब भी चाहे तो कुछ भी उन लोगों से करवा सकता है। ये जो संत फकीर होते हैं, सिर्फ ये लोग किसी को भी पैसे के लिए ही नहीं, बहुत तरीक़ों से उन लोगों को यूज़ करते हैं या उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, और भी अनेक तरीके की जो क्रियाएं होती है वो की जाती है इसमें। अगर आप सोचते हो कि आप किसी साधु संत पीर फकीर के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान अगर पाने की सोच रही हैं, या आप सोचते हैं कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा लेंगे, तो शायद आपसे ज़्यादा बुद्धू इंसान, आपसे ज़्यादा पागल इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप एक बार के लिए अपनी समस्या से छुटकारा पा ज़रूर लेंगे, पर आप अपने ही घर में या आप अपने ही अंदर एक ऐसे आदमी को घुसने के लिए कह रहे हैं जो आपका कभी था ही नहीं। तो
सोचने की बात यह है कि वो आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा दिला ज़रूर देंगे, पर वो आपके अंदर ही घुस के बैठे हुए हैं और वो जब चाहे तब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपने शुरू में ही देखा था कि वो एक एग्रीमेंट, एक समझौता करते हैं उस आत्मा और उस साधु संत के बीच में कि मैं आपके लिए ये करूँगा या आप मेरे लिए वो करें, तो वो एक जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट ये होता है कि आप मेरी दुनिया में, आप मेरी काली दुनिया में कुछ और लोगों को और जोड़ेंगे। तो वो जो साधु संत है या जो भी पीर फकीर है, वो आपकी समस्या का समाधान कर ज़रूर रहा है, पर वो आपको अपना ही धर्म छोड़कर अपने साथ ले रहा है, जो कि कोई धर्म है ही नहीं। जो आदमी खुद अपना धर्म छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपको कैसे किसी समस्या का समाधान दे सकता है। तो हमारी हिदायत तो आप लोगों से यही है कि आप इन सब चक्रों में ना पड़े, क्योंकि अगर किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो हो सकता है वो आपके अंदर ही हो।